अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। पूरे बिहार में पुलिस बिहार पुलिस सप्ताह मना रही है और इसी क्रम में सिवान के मुफस्सिल थाना में पुलिस पब्लिक एक संवाद का आयोजन किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं जो कि सिवान के मुफस्सिल के थानाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह के द्वारा पब्लिक को संबोधित किया जा रहा है और आसपास के जितने भी मुफस्सिल थाना इलाके के रहने वाले लोग हैं वो तमाम लोग पहुंचे हुए थे। लोगों ने अपनी अपनी बातों को थानाध्यक्ष के सामने रखा। वही थानाध्यक्ष ने भी उन्हें संतुष्ट किया कि आप लोग डायरेक्ट हमसे जुड़े, कभी भी किसी तरह की कोई ज़रूरत हो पुलिस आपके सहयोग के लिए बिल्कुल दिन हो या रात खड़ी है। लोगों ने अपनी अपनी कई तरह की समस्याओं को रखा जिस पर गंभीरता से लेते हुए उन्हें थानाध्यक्ष ने आश्वासन भी दिया कि आप लोग निश्चिंत रहें, न्याय किया जाएगा तमाम लोगों के साथ, बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं ये मुफस्सिल थाने की तस्वीर है जहां पर तमाम लोग पहुंचे हुए हैं और बिहार पुलिस सप्ताह दिवस मनाया जा रहा है जिसको लेकर मुफस्सिल थाने में तमाम लोग पहुंचे हुए थे और थानाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने तमाम लोगों को संबोधित कर दी करके और यह तमाम तरह की जानकारियां दी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। जो है आवाज़ का अब तो आप सबके लिए आगंतुक कक्ष भी बन रहा है, फरियादियों के लिए बहुत जल्द ये बन के तैयार हो जाएगा। आप सब आएंगे, वहाँ कुर्सी लगा रहेगा, पानी रहेगा, आप बैठ के टेबल कुर्सी पे अपनी बात लिखिए और दीजिए। आम लोगों का पहुंच थाने पे रहे, थाना प्रभारी के साथ रहे, ये उद्देश्य है इस मीटिंग का और इस संवाद का जो हमारे और आपके बीच चल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। और SBI का CSP चलाते हैं। कल चौकीदार के द्वारा पता चला कि कल मुफस्सिल थाना पर बिहार पब्लिक सप्ताह मनाया जाएगा। ऐसे भी हम आने वाले थे, बराबर से मिलने बैठूंगा, कुछ काम था तो सामाजिक काम था, तो संयोग से वो कहे कि आना है। आज भी फोन गया तो मैं कि चले थाना के पास। विगत एक महीना पहले हमारे यहाँ बात कर दिए थे और हमारे बड़ा बाबू के सूझबूझ के वजह से यह मामला शांत हुआ। या बहुत बड़ा कांड होने वाला था हमारे जियाई गांव में, बहुत बड़ा कांड होने वाला था। आज हम लोग चैन की नींद जो सो रहे हैं, नहीं सोते सर, एक महीना पहले की बात है। सब मामला शांत हो गया था, कोई दिक्कत नहीं था, सब लोग अपने अपने काम में लग गए थे। कल चौकीदार के द्वारा 107 का नोटिस कुछ लोगों के पास गया है, इसमें से थोड़ा सा खलबली मच गया, मामला एकदम शांत हो गया, एकदम निष्क्रिय, सब लोग गए थे अपना अपना काम में, लोग लग गए थे। लेकिन जब नोटिस गया सब लोगों के पास, हिंदू मुस्लिम सब लोगों के पास गया, तो कुछ खलबली मच गया। हम आग्रह करेंगे बड़ा बहू से कि वह व्यक्तिगत उन लोगों को बुलाकर वो समझा दे कि इसमें कुछ होने जाने वाला नहीं है, आप लोग शांत रहिए। वहाँ के स्थानीय लोग प्रशंसा के पात्र हैं जिन्होंने उस संवेदनशील मौके पे पुलिस के कहने पे विश्वास किया, पुलिस को अपना यथोचित कार्रवाई करने दी। वहाँ शांति समिति की बैठक भी हुई, केस हुआ, जो लोग गलत किए थे वो जेल में, क्षेत्र में शांति है। आप भी कह रहे हैं, हम भी महसूस कर रहे हैं, ये हमारे लिए उपलब्धि। रहा सवाल 107 या केस का, तो वो एक सर प्रोसेस है। पुलिस थाने स्तर से क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए बहुत सारे उपाय किए जा सकते हैं। अब हम आपको यहाँ
वो चीज नहीं बता सकते कि क्या जो है वहां 50 लोगों पे केस होना चाहिए नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनको एक मैसेज जरूर जाना चाहिए कि लोग अपनी जिम्मेदारी में 107 दफोशक के अंतर्गत कार्रवाई की गई है, वो अंडर प्रोसेस है। मैं आपसे वादा करता हूं, अभी SDO सर थे, SDO सर से बात करके हम यहीं कैंप लगाएंगे, CO साहब रहेंगे, हम लोग सब उसका बॉन्ड डाउन करवाएंगे, आप इसके लिए आश्वस्त हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के पुलिस पब्लिक इस मीट के कार्यक्रम को मैं औपचारिक रूप से समाप्त करता हूं, लेकिन इस वादे के साथ कि अब लॉकडाउन समाप्त हो गया, कोरोना काल गुजरने के जमाने की बात हो गई, अब अलग अलग मंच पे आपके पंचायत में आप ही लोगों के साथ बैठ के और भी अलग अलग इशू पे हम सब बात करेंगे। आप सब अपना बहुमूल्य समय दिए इस कार्यक्रम के लिए, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत अच्छा रहा, आम जनता और पुलिस का जो एक भय रहता है वह हमारे थाना प्रभारी द्वारा ख़त्म किया गया और लोग संतुष्ट होकर यहाँ से गए, और भविष्य में हमें उम्मीद है कि पुनः बुलाएंगे भी। और इनका जो अति है, इन्होंने यह कहा कि मैं स्वयं हर पंचायत में जाऊंगा और वहाँ के जनप्रतिनिधि और वहाँ के जनता के बीच बैठकर संवाद स्थापित करूँगा, जिससे क्राइम से लेकर और शराब का जो कारोबारी है सब पर नकेल कसने में सहयोग मिलेगा, यह इनका कार्यक्रम। चूँकि अगले बार भी यह स्वयं उठ कर गए थे, मेरे बगल का पंचायत है नथुचाप जिसमें मुसर टोली आता है, या मेरे यहाँ महतो लोग हैं टावर के मेरे बगल में, ये सब जगह वह बैठे थे या घूमे थे जिसका प्रभाव हुआ है। अब पुनः यह जाएंगे और सब लोग को बैठा कर जो कार्यक्रम होगा तो हम लोग को लगता है कि यह निश्चित ही एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं इसके लिए इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुफस्सिल थाना में पद स्थापित बड़ा बाबू थाना मुफस्सिल अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह जो ये काम किए हैं, बहुत सराहनीय काम किए हैं, और इनके आने से नशा मुक्ति पर बहुत सी ही प्रभाव पड़ा है। शराबियों को बेचने वाले और पीने वाले पर पाबंदी लगाए हैं, उसे लोग भयभीत हैं बेचने वाले और पीने वाले भी, और जनप्रतिनिधि जितने भी हैं सभी जनप्रतिनिधि को मान सम्मान देते हुए इस काम को आगे बढ़ाएं, और उसमें हम लोग इनको सहयोग करेंगे, इन भी हम लोगों को सहयोग के इसी के साथ में बने को अपने ये हम सब जान रहे हैं। तो उसी के तहत आज जो है पब्लिक पुलिस मीट का कार्यक्रम रखा गया, जिसका इनॉग्रेशन SDO और SDPO सर किए, और क्षेत्र के भर के लोग आए, प्रतिनिधिगण, बुद्धिजीवी, छात्र छात्राएँ, आप सब, सबसे उनकी राय ली गई। उद्देश्य यह था इस मीटिंग का कि क्षेत्र में विधि व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए उनकी राय क्या है, कहाँ पुलिस को और अपना प्रेजेंस रखना है, पुलिस के लिए और क्या करना ज़रूरी है, खासकर शराबबंदी को पूरी तरह लागू कराने के विषय में बहुत विस्तार से लोगों की राय ली गई। बहुत सारा काम उन्होंने जो बताया हुआ है और जो उनका सुझाव है उस पर अमल भी किया जाए। इस मीटिंग का उद्देश्य यही था, विधि व्यवस्था बनी रहे इसलिए लोगों का सहयोग लें, पुलिस के प्रति और पुलिस की जो छवि है लोगों में एक नकारात्मक जो है उससे जो है उनको अलग करें। ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही ये था कि पुलिस को पीपुल फ्रेंडली बनाना है, पुलिस को उन तक पहुंचाना है। हमने सबसे अपील की, थाना उनका है, वो बेहिचक थाने पे आएँ, अपनी शिकायत दर्ज कराएं, कोई सूचना है वो दें, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप है, कंट्रोल रूम का ग्रुप है, 100 डायल है, इन सब का लाभ उठाएं। और ऐसा अगर होता है और होने लगेगा, क्षेत्र में शांति व्यवस्था भी रहेगी, विधि व्यवस्था भी रहेगा, और तब जाके सही मायने में सामाजिक और आर्थिक विकास होगा। मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, मेरे आह्वान पे करीब करीब सभी पंचायत के प्रतिनिधिगण आए, बुद्धिजीवी आए, हमारे SDPO सर, SDO सर आए, और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, सबने अपना सुझाव दिया, सबको नोट डाउन किया गया है और इस सब पे अमल किया जाएगा और आगे भी लोगों से मिलता जुलता रहा जाएगा अलग अलग कार्यक्रम। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। सिवान का सबसे विश्वसनीय भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। भारत स्टोर में मिलेंगे रियलमी, आईफोन, वन प्लस, ओप्पो, वीवो, सैमसंग के साथ और भी कई कंपनियों के मोबाइल।
0% फाइनेंस की भी सुविधा। आज ही चले और अपना मनचाहा हैंडसेट ले। भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9709945529878931221।